जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं निशान जोशी आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो फॉर द सेम ट्रेनिंग टॉपिक, दैट इज़ द पीपीएफ। बट हाँ, इस पीपीएफ के ऊपर ना बहुत अच्छी सी कहानी है। पीपीएफ तो एंड एक हमने एप्लीकेशन कर दी, तो ये कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा हाउ एन इंडिविजुअल कैन बी सो पैशनेट अबाउट हिज कार। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने आज तक हमारी मदद करी है, जिसके कारण हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मोर देन 1000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका सहयोग हमें मिल रहा है। बट अगेन स्टिल देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आपसे निवेदन है, हर वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत जाती है, कोशिश करते हैं हर काम आप तक पहुँच सके। सो दैट मतलब कहते हैं ना, आज भी जो एक रिलेक्टेंसी है कि छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता है, रायपुर में ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, आज ही बहुत लोगों के अंदर मनी मन है कि नहीं हम बाहर की वीडियोस देख रहे हैं, बाहर चले जाएं। हाँ, उसका कारण एक तरह से मैं अपने आप को ले सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन दिस सॉर्ट ऑफ अ सेटअप इन छत्तीसगढ़। बट मैंने खुद ने यूट्यूब में कोई भी तरह की इस तरह की वीडियोस डालना 2016-17 में सोचा नहीं। दस ओनली रीज़न बिंग क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि यूट्यूब भी एक माध्यम हो सकता है अपने ही लोगों तक पहुँचने का। सो नाउ देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट छत्तीसगढ़ टू द ग्लोब, कि छत्तीसगढ़ में भी वो हर चीज़ें होती हैं जो कि विज़ाविज़ बाहर हो रही हैं, जिनके वीडियोज़ आज कल लोग देखते हैं, दे एंड फील वेरी टेम्पटेड टू गो आउटसाइड। दो आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर, इट जस्ट लाइक आई एम गिविंग मोर एफर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर्स इन रिप्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, डिटेलिंग, मैकेनिकल या और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपसे कार रिलेटेड क्या क्या होती है। तो अब 1000 का माइलस्टोन तो हमने अचीव कर लिया, अब इसके आगे और आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल पूरा अधूरा है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वो डिज़र्व करता हो तो, डिसलाइक करें अगर वो डिज़र्व नहीं करता हो तो। आपके लाइक एंड डिसलाइक में प्लीज़ कमेंट भी थ्रो डाउन करिए, सो दैट हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जितना इंगेजमेंट रेट हाई रहेगा उसमें मेरे को पता चलेगा कि नहीं, एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग एंगेज। तो कहते हैं ना, खाली मैं कैमरे के सामने बोले जाऊँ और कहते हैं उधर से कोई रिएक्शन ना है तो पता ही नहीं चल पाएगा सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कार सुपर्ब, दिस वॉज ब्लैक इन कलर। इसका ऑलरेडी RTO अप्रूवल वगैरह आ चुका था फॉर द चेंज इन कलर, क्योंकि हमें कस्टमर को जो कलर चाहिए था वो क्रोमेटिक कलर चाहिए था, इधर डुअल टोन में कलर चाहिए था कि एटलीस्ट डुअल शेड वर्जन उनका कलर आए। तो कस्टमर ने खुद ने, हमने बहुत कोशिश करी कुछ कलर सैंपल्स बना ले, कस्टमर ने भी अपने एंड से बहुत कोशिश करी कलर सैंपल्स बनाने की, लेकिन क्या है ना, हमारे पास ये कार आई है, आई थी अराउंड से 15 दिन पहले। तो 15 दिन तक तो एक तो RTO अप्रूवल का हिसाब किताब चलता रहा, एट द सेम टाइम कलर जो अप्लाई होना है उसके अलग अलग सैंपल्स बनते गए, सैंपल्स बनते गए, तो कुछ पसंद आ रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आ रहे, कुछ पसंद आ रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आ रहे। तो इवेंचुअली जब कलर फाइनल पसंद हुआ तो दैट वॉज रियली वेरी, मतलब कहते हैं ऑसम कलर जो आपको नज़र आएगा। बट एट द सेम टाइम कार इसी होने के बाद एक हमारे ऊपर ना क्लिकिंग टाइम बॉम्ब भी चल रहा था इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि उनका बर्थडे था। तो इवेंचुअली जिस दिन कलर फाइनल हुआ और जो PPF अप्लाई करना था उसके बाद टोटल हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे थे कि 6th day वी हैव टू डिलीवर दिस कार, क्योंकि ये उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब उनकी वॉल्वो S90 में कर चुका हूँ, उनकी वॉल्वो XC60 कर चुका हूँ, उनकी किया कार्निवल कर चुका हूँ, इसके पहले उनकी इवोक कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारी जितनी भी गाड़ियाँ उनके घर में, हर गाड़ी में मैं PPF नहीं तो कुछ ना कुछ काम तो हमेशा करते ही रहता हूँ। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो हर बार हमें मौका देते हैं कि हमारी गाड़ी में काम, उनकी गाड़ी में काम हम ही करें। सो अगेन कमिंग बैक टू, 6 दिन में अब मेरे को पेंट भी करना था, एट द सेम टाइम PPF भी लगाना था। उन्होंने बहुत शौक से ये कार खरीदी थी, बट एक्चुअल में उनको क्या ना, थोड़ा सा हटके कलर चाहिए था, कि स्कोडा में जो भी कलर लाइनअप आज के दिन में आ रहे हैं सब सिंगल टोन कलर आ रहे हैं, एंड ही वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स अ डुअल टोन कलर। तो जब फाइनली फाइनल हुआ तो वी फॉर्मुलेटेड अ कलर विथ अ सॉर्ट ऑफ, कहते हैं ना, धूप में आपको वो पर्पल नज़र आएगी, हल्की छाँव होगी तो उसमें ब्लैकिश शेड आ जाएगा, तो एक एंगल से आपको पर्पल, एक एंगल से ब्लैक नज़र आ रही है, तो कार देखने में बहुत ही अल्टीमेटली खूबसूरत लग रही थी। बट 6 ही दिन बाकी थे, हमने दिन रात काम किया उस कार के पीछे। अनफॉर्चुनेटली पेंट के मामले में कभी कभी क्या होता है, हमको जब उसमें प्राइमर फिनिश करना, मतलब कहते हैं सेकेंड लास्ट स्टेप होता है प्राइमर, द लास्ट वन बींग द पेंट, पैनल में पेंट अप्लाई करना, तो सेकेंड लास्ट है, तो चलिए फिर भी हम क्या है एट टाइम्स हम अंधेरे में कर देते हैं। बट हाँ, जब पेंट की बात आती है ना, तो पेंट के लिए आपको सरफेस को एकदम वापस, वंस द प्राइमर इज डन, वो सरफेस को सिल्की स्मूथ, डेड स्ट्रेट रखना, ताकि कोई भी वेव्स ना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रात में एट टाइम्स थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके दो रीज़न है प्राइमर फेज की।
सबसे इम्पॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिन की रोशनी में जो नज़र आता है वो आर्टिफिशियल लाइट्स में नहीं आता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेंटर्स लोगों का काम जो है मतलब इट्स नॉट दैन ईजी जॉब की एक स्प्रे गन लिया बस ऐसे ऐसे मार दिए। दिन भर बेचारे लोग घसाई 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 करते रहते, तब एक कोई शेप आता है तो कहीं ना कहीं शाम तक उनकी भी बैटरी डाउन हो जाती है, तो वो परफेक्शन जो है नहीं आ पाती है। तो दैट्स द रीज़न, अब जस्ट बर्थडे के दो दिन पहले हमें गाड़ी वापस मतलब पेंट होके मिली। अब दो दिन में मेरे को उसके अंदर उसका पेंट रिस्टोरेशन वापस करना था। रीज़न भी, जब हम पेंट करते हैं कहीं पे ऑरेंज पील हो सकता है, कहीं पे हो सकता है पेंट ड्रिपिंग आ जाए, हो सकता है कोई भी तरह का डस्ट पार्टिकल आ जाए, डिस्पाइट ऑफ जितने भी आपके पास हैवी इक्विपमेंट्स हो टू प्रिवेंट एवरीथिंग। तो अगेन पेंट रिस्टोर करना एंड देन PPF अप्लाई करके फिनिश प्रोडक्ट करके उनको डिलीवर करना। अल्टीमेटली वी वर सक्सेस इन ऑल दोज थिंग्स। कार एब्सोल्युटली रेडी है, वॉक अराउंड वीडियो में आपको नजर आएगी कि इससे अच्छा कलर तो पेंट मैंने आज तक नहीं किया। एट द सेम टाइम जिस स्पीड में हमने PPF अप्लाई किया, एंड अगेन आज उसका ये वीडियो बन रहा है कार के डिलीवरी होने के अराउंड से 15-20 डेज बाद बन रहा है, 15-20 दिन में कोई भी ब्लेमिश इन टर्म्स ऑफ PPF एप्लीकेशन भी नहीं आया। सो वी आर रियली वेरी हैप्पी टू से कि मतलब कि एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, दिल खुश हो गया इस कार में काम करके। पैशन अपनी जगह है, सब कुछ है, बट जब पैशन के साथ पूरी टीम काम कर रही हो ना, तो वो रिजल्ट ही अलग होता है। क्या खाली अकेले निशांत जोशी का पैशन वो वीडियो पे बोल दिया, कैमरा के सामने बोल दिया, वो एक तरफ, बट जहाँ पूरी टीम पूरी फौज लगी हो किसी एक कार को एक टारगेट एक मिशन लेके कि नहीं मेरे को 6 दिन में कंप्लीट करके एज अ होल हमें टीम को देना है, तो वो स्टार्टिंग होता है डेंटर से, देन कम पेंटर का पार्ट, पेंटर के हेल्पर्स लोग का, पेंटर का पार्ट आता है, फिर कार हमारे पास आती है, अगेन देन द डिटेलिंग टीम कम्स इनटू द प्ले। डिटेलिंग टीम का काम हो जाने के बाद अगेन द PPF टीम कम्स इनटू प्ले। वंस द PPF इज डन, अगेन द डिटेलिंग टीम कम्स इनटू द प्ले, ताकि कोई भी तरह का फिनिशिंग टचेस वगैरह कहीं भी गंदगी ना रहे और इवेंचुअली हम कार को डिलीवर कर सके। तो इस कार में काम करने में बहुत 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 मज़ा आया। कस्टमर ऑलरेडी गूगल में हमें 5-star रेटिंग बहुत पहले ही दे चुके थे 3 साल पहले। काश गूगल में ये ऑप्शन होता कि जितनी बार आप सर्विस करा रहे हो, जितनी बार आप रेटिंग देना चाहो, उतनी बार आप दे सको। क्योंकि क्या होता है, इससे दो एडवांटेज है। फर्स्ट, एक तो एक ही कस्टमर से मल्टीपल टाइम अगर मैं काम करूँ तो 5-star रेटिंग्स भी आती रहेगी मेरे को। हाँ, इसका एक और एडवांटेज है, क्योंकि क्या है, हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सब कुछ सही चल रहा है। तो अगर एक ही कस्टमर 5 बार काम करा रहा है, हो सकता है 3 बार हमने 5-star रेटिंग के लिहाजे से ही काम किया, 2 बार हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो। तो एक बार अगर 3 आता है, एक बार 4 आता है, या एक बार 1-star भी अगर आता है, तो इट बिकम्स एन आई ओपनर फॉर अस कि हमें वापस अपने आप सुधारना है। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो इट्स अ स्मॉल सजेशन फॉर सुंदर पिचाई जी कि गूगल में अगर कोई भी आदमी अगर मल्टीपल टाइम अगर अपना देना चाहता है, यू हैव गॉट मैनी बॉट्स एंड ऑल टू वेरीफाई कि वो स्पैम है कि नहीं, वंस इट वेरीफिकेशन इज थ्रू, आपको अलाउ करना चाहिए कस्टमर मल्टीपल टाइम रिव्यूज दे सके, जितनी बार भी हो कस्टमर की सर्विस ले। सो आगे देखिए वॉक अराउंड में, यू आर गोइंग टू लव दिस कार, दैट्स फॉर श्योर।